Hello dear students, how are you feel? I think you are feel better. Nowadays we are discussing important question of relations. Yesterday we had discussed 10 question of exercise 2.2 which depend on topic relation. Now we want to start other two question 11th and 12th of your exercise, which depend on the relation. That is the question number 11th. Welcome again to AVM online classes. आपका AVM online classes के अंदर स्वागत है. देखिए बेटा, ये हमने A led to B रखा है. If only if A minus B is even. A led to B है, A minus B is क्या है, even है. ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो हम कैसे करेंगे बेटा, ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर, तो इसको आप रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. हम ये रिफ्लेक्सिव होता है, यदि आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन वीडियो में जो मैंने भेजा था आपको लिंक, ये रिफ्लेक्सिव होता है. प्लस टू में पढ़ेंगे हम इसको. तो यहाँ पर देखो बेटा, ए बिलोंग्स टू आर चेक करेंगे कि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा. ए बी आर के अंदर तब बिलोंग करता है जब ए माइनस बी क्या हो, इवन हो. तो देखो भी इनका डिफरेंस इवन है कि नहीं, सिंस यहाँ पर ए और बी की जगह भी क्या है, ए. तो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, जीरो है. तो देयरफॉर विच इज इवन. अब इवन है, ठीक है भाई, ए माइनस ए कितना आ गया, जीरो आ गया. तो जीरो आ गया तो देयरफॉर विच इज इवन आ गया. तो इवन आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यस रिफ्लेक्सिव है भाई, क्योंकि जीरो तो इवन होता है भाई. तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है. ऐसे सिमेट्रिक लेना भाई हमको, सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक लो भाई, ये सिमेट्रिक होता है कि ए बी आर के अंदर हो, तो इसका उल्टा बी बी ए बी आर के अंदर हो. तो कैसे करोगे आप, लेट भाई ए बी आर के अंदर है, ये दे रखा है, सीन्स सेकंड पार्ट है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर के अंदर है. अब ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि ए माइनस बी इज इवन. अब इवन है, इवन नंबर क्या होता है, जो टू से डिविजिबल हो. तो इट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू. अब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू है, तो हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट ए माइनस बी इक्वल टू टू इंटू समथिंग लिखते हैं अपन, टू इंटू समथिंग. अब हमें चेक करना है क्या बी ए आर के अंदर है, यानी कि बी माइनस ए टू से डिविजिबल है कि नहीं. अब ए माइनस बी टू एम है, इसको हम लिखते हैं, और बी माइनस ए माइनस को हम लिखते हैं हम इक्वल टू टू एम, और बी माइनस ए इक्वल टू टू माइनस समथिंग. अब टू इंटू समथिंग है तो डिविजिबल बाय टू, इट इंप्लाइज बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय टू, बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय टू. अब बी माइनस ए डिविजिबल बाय टू है, तो देयरफॉर क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए आर के अंदर है. तो देयरफॉर इट इज कैन से इट इज सिमेट्रिक, यानी कि आपने यहां पर ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी. थर्ड है भाई, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर है. इट मीन्स ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इट डिविजिबल आर डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू, डिविजिबल बाय टू. आर टू से डिविजिबल है बेटा,
तो a माइनस बी टू से डिविजिबल है, तो वी कैन राइट a माइनस बी इक्वल टू टू इंटू समथिंग, टू एम लिख दिया हमने। b माइनस सी टू से डिविजिबल है, तो b माइनस सी इक्वल टू इंटू समथिंग, टू एन लिख दिया हमने, जैसे प्लस वन में करते थे हम। सॉरी, जब भी किसी से डिविजिबल हो तो वो लिखते हैं आप बेटा टू इंटू समथिंग। आप इन दोनों ऐड कीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो ऐड कीजिए बेटा, तो ऐड करो तो बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इक्वल टू इंटू एम प्लस साइन आ गया भाई, तो ए माइनस सी टू इंटू समथिंग आ गया, तो इट मीन्स ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू। अब a माइनस सी डिविजल बाई टू हो गया, तो देयर फॉर जो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इट इज इवन है, तो इवन है तो ए सी बिलोंग्स टू आर, हैंस प्रूफ। ओके, तो प्लीज राइट डाउन दिस। आगे क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी बिलोंग्स टू आर वन इफ ओनली इफ वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए बी आर वन का तब होगा जब वन प्लस ए बी जीरो से ग्रेटर होगा, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, तो ए बिलोंग्स टू आर वन। ये कौन सा भाई, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं हम इसको, प्रश्नों में बहुत काम आएंगे भाई। तो ए बिलोंग्स टू आर वन चेक करते हैं कि आर वन के अंदर है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर ए की जगह तो ए और बी की जगह ए लिखे, क्या वो जीरो से ग्रेटर आता कि नहीं आता। तो देखो भाई, ए की जगह ए और बी की जगह ए लिखे तो क्या आएगा, ए इंटू ए, क्या आएगा ए स्क्वेयर, और किसी का भी स्क्वेयर होता वो वी नो दैट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, क्या तो जीरो से ग्रेटर होगा या जीरो के इक्वल होगा। और यदि आप इसमें वन ऐड कर दें तो वो तो जीरो से ग्रेटर होगा ही होगा, है ना भाई, तो देयर फॉर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और ये सेटिस्फाई होगी तो ये इसके अंदर आर वन के अंदर है, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर वन। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। ऐसे सेकंड देखिए भाई, सेकंड पार्ट है, ए बी आर वन के अंदर है भाई, दे रखा ऑलरेडी है, इट मीन्स इट इम्प्लाइज वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो हो गया भाई, वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो। अब क्या करो भाई, वन एक जगह बी लिख दो और बी जगह लिख दो, तो ये और ये एक ही तो बात है भाई, एक जगह बी लिख दिया बी जगह ए लिख दिया, तो ये और ये एक ही तो कन्फर्म बात है, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो देयर फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर वन, तो हैंस प्रूफ। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, इतना ही करेंगे आज हम। थैंक यू, स्टे ऑन, स्टे सेफ।